दोस्तों पंजाब कांग्रेस के बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद नवजोत सिद्धू की भाजपा में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने अपना गेम प्लान बदला है। भाजपा के नए गेम प्लान में अकाली दल को मनफी नहीं किया गया है। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि सुखबीर बादल ने नवजोत सिद्धू से मिलकर अपने गिले शिकवे भी दूर कर लिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर नवजोत सिद्धू को नीचा दिखाया है। करतारपुर साहब जाने वाले कांग्रेस के जत्थे में नवजोत सिद्धू को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों आज हम नवजोत सिद्धू के आसपास घूम रही पंजाब की राजनीति की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नवजोत सिद्धू की राजनीति के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब भाजपा का अगला प्रधान भी अमृतसर से आने जा रहा है। पूर्व मंत्री अनिल जोशी को पंजाब भाजपा का प्रधान बनाने पर सहमति बन चुकी है। अमृतसर से विधायक चुनकर अनिल जोशी बादल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पंजाब भाजपा के वर्तमान प्रधान श्वेत मलिक भी अमृतसर से ही आते हैं। अमृतसर के दया सिंह सोढ़ी भी पंजाब भाजपा के प्रधान रह चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के बागी नेता नवजोत सिद्धू की भाजपा में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और नवजोत सिद्धू की मुलाकात हो चुकी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि दिवाली के बाद किसी भी समय नवजोत सिद्धू के भाजपा में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। नवजोत सिद्धू के साथ पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। दिवाली से ठीक पहले नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की थी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा ने पंजाब को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने पंजाब में ऑपरेशन कमल को होल्ड पर रखकर अकाली दल को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिद्धू के साथ मिलकर गिले शिकवे भी दूर कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सुखबीर बादल को नवजोत सिद्धू से मिलने के निर्देश दिए थे। पता चला है कि सुखबीर बादल और नवजोत सिद्धू में भविष्य में मिलकर चलने में सहमति बन गई है। बता दें कि हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी में गठबंधन को सिरे चढ़ाने में बादल परिवार की बड़ी भूमिका रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर नवजोत सिद्धू का तिरस्कार किया है। अगले महीने करतारपुर साहब कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पाकिस्तान जाने वाले कांग्रेस के जत्थे में नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल नहीं किया गया है। इस जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, आशा कुमारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दुपेंद्र सिंह हुडा और जतिन प्रसाद का नाम शामिल है। दुनिया भर के पंजाबी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को मंजूर करवाने में नवजोत सिद्धू की बड़ी भूमिका मानते हैं। नवजोत सिद्धू करतारपुर साहिब कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर निजी हैसियत से पाकिस्तान गए थे। पूर्व क्रिकेटर के नाते नवजोत सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से दोस्ताना संबंध है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।